बात आज सुबह सुबह हाँ क्या हो क्या गया ब्रो आप एटीट्यूड में क्यों हो आजकल गरीब चाचू से बात हुई उनसे भी बदतमीजी से बात करी और छोटा भाई मुझे भाषण दे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस घर में हर कोई मुझे ही क्यों भाषण देता है कोई भाषण की जरूरत नहीं अपनी नसीहत अपने पास रखिए रखूंगा याद है ये तो वही कैमरा है इसमें हम दोनों ने रितेश को ड्रग केस में फंसाया था उसकी फुटेज है इसमें ये तेरे पास क्या कर रहा है तूने मेरे रूम की तलाशी ली है क्या मैं क्या कर रहा था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अब इम्पोर्टेंट ये है कि मैं अपने काम से काम नहीं रख सकता और मैंने जो भी किया है आपके साथ मिलकर किया है जी विवान मुझे नहीं मालूम ये तू पुरानी बातें क्यों लेकर आ रहा है मुझे अपना काम निकलवाना इसलिए तू ये सब कर रहा है ना कैसा काम सब जानता हूँ मैं अंजलि को तो पढ़ाने की कोशिश कर रहा है इसलिए तू देवता बनने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है अपना मतलब निकालना चाहता है ना तू उससे और तेरा काम नहीं हो पा रहा है तो जाना उस पर ध्यान दे मुझे भाषण पर सुना तो प्लीज अंजलि को इन सब बीच में मत लेकर आओ हाँ मैं मानता हूँ कि मैं पहले उसके लिए सीरियस नहीं था लेकिन अब मैं उसके लिए बहुत सीरियस हूँ एंड आई रियली लाइक हर मैं आपको यही समझाऊंगा कि प्लीज उससे दूर रहो और मैं आपको कोई लेक्चर वेक्चर देने नहीं आया हूँ सिर्फ इतना बताने आया हूँ ट्राई टू बिहेव योरसेल्फ और एक कैमरा दिखाकर आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक तो मैंने आपका साथ दिया है लेकिन और नहीं दे पाऊंगा इतना बड़ा लेक्चर देके बोल रहा है मैं लेक्चर देने नहीं आया अरे क्या बात है यार तू तो मजनू बन गया भैया हैं कोई नहीं एक बार तेरा मकसद तो पूरा हो जाने दे तब तू आएगा मेरे पास ये रोमियोपंती खत्म होगी ना तब पता चलेगा तुझे और हाँ कि मैंने हमेशा तेरा साथ दिया है हर गलत काम से बचाया तुझे तो मैं आपको बचाने ही आया हूँ और आपके इस बिहेवियर से ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है तो प्लीज़ थोड़ा शांत रहो अपने दिमाग से काम ठंडे दिमाग से मैं काम ले लूँगा मेरी टेंशन मत ले और ये भाषण मत दे ये कैमरा वापस कर ये कैमरा तो मैं वापस नहीं कर पाऊँगा क्योंकि यही एक रास्ता है इस दंडल से बाहर निकलने का और मैं आपकी तरह और नीचे नहीं गिर सकता आखिर कामना दी ने ऐसा किया ही क्यों कामना दी से पूछूं या पहले रितेश को बता दूं अगर रितेश को बता दिया कि कामना दी ने दवाई चेंज की थी तो रितेश उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल देगा शायद समीर को भी निकाल देगा और समीर जून को मुझसे दूर नहीं पहले मुझे कामना दी से पूछना होगा कि उन्होंने ऐसा किया क्यों उसके बाद ही मैं रितेश को सब कुछ बताऊंगी समझ में नहीं आ रहा है करूं तो क्या करूं नहीं अरे क्या हुआ इधर देख क्या हुआ है क्यों रो रही है तू मुझे बस मौज और बॉब जी की याद आ रही है पक्का मौज और बॉब जी की याद आ रही है या फिर कुछ और हुआ है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है अंजू कि कुछ और हुआ है और तू मुझे बता नहीं रही है देख तू जानती है अगर कोई भी बात होगी तो तू अपनी बी से बात शेयर कर सकती है कुछ भी और कभी भी अंजलि को तू पढ़ाने की कोशिश कर रहा है इसलिए तू देवता बनने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है तो तेरा काम नहीं हो पा रहा है नथिंग दी मुझे बस मौज और बॉब जी की याद आ रही है और प्लीज आप अभी मुझसे कुछ भी मत पूछो ठीक है चुप शांत हो जा पहले और सबसे पहले मुझे प्रॉमिस कर कि तू घर जाके मुझे फोन करेगी और जब तुझे लगेगा कि तू बी से बात कर सकती है तो मुझे सब कुछ बताएगी प्रॉमिस हाँ दी चुप रोना नहीं है कल एक बार बच्ची भी स्क्रिप्ट का रीडिंग सेशन फिक्स कर देता हूँ ओके यार जल्द से जल्दी प्री प्रोडक्शन का काम खत्म करना है और ये फिल्म शेड्यूल पे स्टार्ट करनी है और शेड्यूल पे खत्म करनी है ओके ओके क्या हुआ इसे मौज और बॉब जी की याद आ रही है घर जाना है हाँ तो राहुल ड्रॉप कर देगा ना राहुल शो नहीं जीजू मैं मैनेज कर लूंगी राहुल तुझे ड्रॉप कर देगा अंजू नो डिस्कशंस राहुल ड्रॉप कर देगा राहुल जाओ ओके शांत आराम से जाओ ध्रुव का ही कॉल है हाँ ध्रुव टाइम पे नहीं हो रहेगा क्या मतलब है यार तुम प्रोडक्शन हैंडल कर रहे हो ये काम है तुम्हारा और अगर कोई टीम में डिलीवर नहीं कर रहा तो निकालो उसको टीम से डोंट वेस्ट माय टाइम क्या हुआ अंजलि को बताया कुछ वो अंजलि है
इतने जल्दी कुछ नहीं बताएगी, थोड़ा टाइम लगेगा उसे, एक बार संभल जाएगी तो खुद बता देगी। वाओ, अपनी बहन के बिल्कुल ऑपोजिट। क्या मतलब? मतलब तुम्हारे तो मुंह में जो आता है बोल देती हो, अंजलि से सीखो, जब संभल जाती है तब बता देती है। उसकी लाइफ में रितेश मल्होत्रा नाम का कोई इंसान नहीं है ना, जब आ जाएगा तब देख लेना। ओ, तो तुम्हारे गुस्से की वजह मैं हूँ। रितेश कितना बोलती हो यार, कितना बोलती हो, टंग फ्रैक्चर नहीं हो जाता? दवाई खाई नहीं ना, खा लो। रितेश सॉरी, रितेश मैं इस वक्त तुम्हें कामना दी के बारे में कुछ नहीं बता सकती, मुझे पहले कामना दी से पूछना होगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। आई जस्ट होप तुम्हें ना बताकर मैं कोई गलती तो नहीं कर रही। विवेक बेटा आजा खाना खा ले। अब बस आंटी, दो मिनट में आया। राजेंद्र जी, इंदु से बात हुई आपकी? थोड़ी देर पहले ही बात हुई। जून अब ठीक है और इंदु की तबीयत भी पहले से बेहतर है। मैं देखती हूँ। अंजलि तू? इसे क्या हो गया? क्या हो गया बेटा? राहुल बेटा आओ ना, अंदर आओ। थैंक यू आंटी, पर मैं फिर कभी और आता हूँ, वो क्या है ना मुझे घर जाना है। अरे ऐसे कैसे, खाने का टाइम हो रहा है और खाना भी लग गया है, आओ। नहीं आंटी, मैं फिर कभी आता हूँ। तो फिर कभी दोबारा खाना खा लेना, अभी आ जाओ, आओ आओ। जून जरा ऐसे नहीं करते, कुछ तो खा लो। मैं आप कोस दूं ठंडे ठंडे दूध के साथ? क्या ड्रामा शुरू हो गया इसका? हाँ? अरे क्या हो गया मासी, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहे हो? अरे तेरी बेटी फिर से खाना नहीं खा रही है। मेरी बेटी नहीं है, मेरी बीवी की बेटी है। हाँ, लेकिन कोर्ट ने तो तुझे ही बाप बनाया ना इसका। और जून क्या नाटक लगा रखा है तूने? हाँ, अच्छा खासा खाना मिल रहा है ना, तो चुप करके खा। मेरे मौना जी ने पापा के हाथ से ही खाना खाना है। उफ सर, मैं भी तो आपकी दादी हूँ, मैं खिला दूँ आपको अपने हाथों से? मेरा मतलब आपकी असली दादी ना ये है, लेकिन मैं आपके पापा की चाची हूँ, इसलिए मैं आपकी चाची दादी हुई, तो आप मेरे हाथों से खा सकते हो। ओह हेलो डॉली, ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। क्या दादी चाची, क्या फालतू के रिश्ते भर रही है उसके दिमाग में तू? अरे भाभी, मैं नया रिश्ता कहाँ जोड़ रही हूँ, मैं इसके पापा की चाची हूँ, तो उस लिहाज से जून पुत्र से मेरा रिश्ता भी तो हुआ। सुनो है, ये फालतू में ना अपने आप को थोप मत तू उसके ऊपर, ठीक है ना? और क्या रोज रोज तू चली आती है जून के पास खाना खिलाने के लिए? हम लोग है ना, हम देख लेंगे उसको क्या खिलाना है कैसे खिलाना है, तुझसे किसी ने हेल्प नहीं मांगी है, ठीक है? तो तू जा सकती है यहाँ से। भाभी मैं तो बस यहाँ से। भाभी मैं, और जून समझ आ गई है, अपने हाथ से खाना है, कोई नहीं आएगा तुम्हें खिलाने के लिए, लो आओ। कामना दी बच्ची है वो, आप ऐसे कैसे जून से बात कर सकती हो? जिद्दी बच्ची है, मासी उसको लाइन पर लेके आ रही है। और वैसे भी मैं उसे सिर्फ डिसिप्लिन सिखा रही हूँ, तू मुझे रोक क्यों रही है? अच्छा, आप जून को डिसिप्लिन सिखा रही हो, गुड। एनीवेज, क्या मैं आपसे दो मिनट बात कर सकती हूँ? क्या बात है बोलो। यहाँ नहीं कामना दी, अंदर चले। चलो सुन बेटा, मैं अभी आती हूँ। ओके। क्या हुआ अंदर, क्या बात करनी है तुझे? आप ये सब क्यों कर रही हो कामना दी? क्या कर रही हूँ मैं? सुन को डिसिप्लिन ही तो सिखा रही हूँ, उसमें गलत क्या है? वो नहीं कामना दी। फिर मैं तुम्हें जून से मिलने नहीं दे रही हूँ। अब इंदु देख, मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं ना, कोर्ट के ऑर्डर्स हैं तो मानने तो पड़ेंगे हमें। बहुत फिक्र हो रही है ना आपको मेरी, रितेश और जून की? ऑफ कोर्स। बंद कीजिए अपना ये नाटक कामना दी। आपके इस नाटक के बारे में अगर रितेश को पता चल गया ना, तो वो आपको धक्के मार के इस घर से बाहर निकालेगा और आपके बेटे समीर को। हेलो,
तू मेरे ही घर में मेरे सामने खड़े होकर मुझे एटीट्यूड दिखा रही है? ये घर आपका नहीं है कामना दी, मेरे पति का घर है। वो कौड़ी की लड़की, तेरी इतनी हिम्मत?